तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे, वो जो दक्षिण पूर्व एशिया की एक देश है, देश का नाम जो है थाईलैंड। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है थाईलैंड। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्कित हम सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए वो देश की राष्ट्रीय झंडा। हाँ दोस्तों, ये देश की जो है राष्ट्रीय झंडा। तो दोस्तों मैं आपको गूगल की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा वो देश इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ उसका संपर्क क्या है। मैं सब कुछ एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन बन जाएगा उसे कॉल पर सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो। ये जो देख रही हो आप इंडिया, तो मैं आपको बोला था वो देश जो है दक्षिण पूर्व एशिया की एक देश है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा म्यांमार के बाद जो है वो देश आता है, देश का नाम जो है थाईलैंड। और उस देश की राजधानी आपको नजर आ रहा है बैंकॉक। हाँ दोस्तों, उस देश की राजधानी आपको नजर आ रहा है जो बैंकॉक। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है सबके मन में सपना रहता है इस जगह को जाने के। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है वो देश की राजधानी बैंकॉक आपको नजर आ रहा है, जो मैं आपको गूगल की मदद से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, ये देश की जो राजधानी बैंकॉक, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है और इकोनॉमिकली ये देश की ये जगह जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें ट्रेड की, तो दोस्तों इस देश में जो है इस जगह पर ज़्यादा ट्रेड होता है, क्योंकि इस जगह पर जो है सबसे ज़्यादा लोग रहता है। खुन मुयांग ये देश की जो है एक ऐसा जो भाषा है जो यहाँ पर लोग बोले जाते हैं। हाँ दोस्तों, लोग जो है यहाँ पर ये बोलता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये देश का नाम जो है थाईलैंड है, लेकिन ये देश का जो पहले नाम कुछ अलग था। हाँ दोस्तों, उसका नाम जो था शाम देश। हाँ दोस्तों, शाम देश जो है वो देश का पहला नाम था। और ये देख लीजिए वो देश की जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। और इसके अलावा मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा वो देश की कहाँ कहाँ इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन वो जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर जो है कुछ कुछ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट शायद नहीं भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं जब गूगल की मदद से मैं देखा हूँ, क्योंकि बहुत सारा जगह पर ऐसा जो मार्क है जो जिसकी जो एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर गूगल की मदद से दिखाने से वो जगह पर जो है नहीं दिखाया था। तो दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको प्लेन नज़र आ रहा है, तो दोस्तों बैंकॉक। हाँ दोस्तों, आम बात नहीं है, यहाँ पर अगर हम खूबसूरत की बात करें तो दोस्तों ये जो है बेशुमार है। हाँ दोस्तों, हर देश के मुकाबले ये देश जो है बेशुमार है। तो दोस्तों ये देश की जो राजधानी पे ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारा यहाँ पर प्लेन खड़ी है, जो जो बाहर के देश से आए हुए यहाँ पर जो यहाँ पर प्लेन है, और इस देश की भी कुछ यहाँ पर प्लेन यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है उस देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा उस देश के एक एक प्लेन को। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं गूगल की मदद से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ उस देश की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप ध्यान से देख लीजिए, देखा। हाँ दोस्तों, वो देश की इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों वो देश की जो उत्तर में जो है म्यांमार और लाओस, और पूर्व में जो है लाओस और कॉम्बोडिया, और दक्षिण में जो है थाईलैंड उपसागर, और जो है वो देश जो है वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ भी और भारत के साथ भी जो है वो देश की जो है समुद्र सीमा लगता है। हाँ दोस्तों, वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत के साथ भी जो है वो देश की समुद्र सीमा लगता है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है यहाँ पर कितने सारे प्लेन आपको नज़र आ रहा है। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बैंकॉक है, इतने सारे प्लेन तो आपको नज़र आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ वो देश की जो स्क्रीनशॉट के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ देश के कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। तो दोस्तों आप साइड में देख लीजिएगा वो देश की जो नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। देखा, हाँ दोस्तों, नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देश में जो है राजा है, मतलब महाराजा है, जो जिसका नाम जो है महा भिजीराल कॉम, वो देश की जो है महाराजा है। और वो देश की जो प्राइम मिनिस्टर मतलब पीएम जो है प्रज्योत चांद ओचा, वो देश की जो है प्राइम मिनिस्टर। हाँ दोस्तों, प्रज्योत चांद ओचा वो देश की जो है प्राइम मिनिस्टर, और महाराजा जो है भोजीराल कॉम। हाँ दोस्तों, भोजीराल कॉम। तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं वो देश की और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर कितने सारे प्लेन आप शायद सोच भी नहीं सकते हो। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है वो देश की यहाँ पर जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर भी मौजूद है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, यहाँ पर कितने सारे प्लेन यहाँ पर खड़ी है, मैं आपको गूगल की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की भाषा की बात करें तो यहाँ पर थाई जो है वो देश की भाषा है। ईशान, पाकताई, मालवी ये देश में जो है ज़्यादा बोले जाते हैं, मतलब यहाँ पर भाषाएँ हैं। हाँ दोस्तों, ये सब जो है भाषाएँ, यहाँ पर हिंदू है, क्रिश्चन है, यहाँ पर इस्लाम धर्म की जो यहाँ पर मनुष्य यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर जो है कह सकते हैं बौद्ध धर्म यहाँ पर भी जो सबसे ज़्यादा, मतलब ये जो है बौद्ध धर्म की एक देश है। आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। देखा,
हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है नेशनल एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर जो एक छोटे द्वीप है, द्वीप पे ही ये देश की जो है जो नेशनल एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहे हैं ना। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ ये देश में जो 76 यहाँ पर राज्य है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है 76 राज्य है ये देश की, क्योंकि ये देश जो है कह सकते हो ये देश का जो कुछ हिस्सा ऐसा हिस्सा जो समुद्र सीमा के बिल्कुल साइड में लगता है, इसलिए इस देश में बहुत ऐसा जगह है जो पर्यटक के लिए सबसे आकर्षणीय है। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा है थाईलैंड उपसागर आपको नज़र आ रहा है। देखा, हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर भी जो है हमारे राजदूत मौजूद है। हाँ दोस्तों, इंडिया की राजदूत यहाँ पर मौजूद है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारी राजदूत मौजूद है, क्योंकि हमारी राजदूत जो है वो देश की दो जगह पर मौजूद है। एक जो है उस देश की राजधानी जो बैंकॉक, वहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर भी वो देश की सबसे ज़्यादा लोग रहता है बैंकॉक के बाद, इसलिए जो है यहाँ पर भी हमारी राजदूत यहाँ पर मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, तो दोस्तों राजदूत की बात करें तो दोस्तों थाईलैंड की जो राजदूत वो जो है हमारी दिल्ली में तो है, उसके अलावा चेन्नई में, कलकत्ता में और जो है मुंबई में भी वो देश की राजदूत जो है, हाँ दोस्तों, हमारे देश में है। हाँ दोस्तों, हमारी अलग अलग राज्य में जो है उस देश की राजदूत मौजूद है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा वो देश की जो है ये जो नेशनल एंथम, वो देश की पॉपुलेशन, वो देश का जो कैपिटल, सब कुछ मैं एक एक करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके हम देख लेते हैं वो देश के सब कुछ एक झटके में। तो दोस्तों, वो देश के नेशनल एंथम क्या है? हाँ दोस्तों, वो देश की नेशनल एंथम क्या है? तो दोस्तों अब ये देख लीजिए, वो देश के नेशनल एंथम आपको नज़र आ रहा है। देखा, हाँ दोस्तों, ये देश के नेशनल एंथम। तो दोस्तों, वो देश की जो राजधानी वो और सबसे बड़ा शहर भी जो है बैंकॉक आपको नज़र आ रहा है, और थाई जो है वो देश की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा और भी लैंग्वेज इस देश में यूज किया या बोला जाता है। इस देश पे पानी की बात करें तो यहाँ पर 0.4% जो है यहाँ पर पानी है, और अगर आप कॉल करना चाहते हो तो यहाँ पर 566 आपको नंबर के आगे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर पॉपुलेशन जो है 7 करोड़। हाँ दोस्तों, 7 करोड़। यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन जो है 2 लाख। हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन आपको 2 लाख आपको नज़र आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देश जो है पृथ्वी में कौन से हिस्से में, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा पृथ्वी के कौन से हिस्से में वो देश आपको नज़र आ रहा है, और वो देश जो है इंडिया और वो देश कहाँ पर, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, इंडिया और कहाँ आपको पता चल रहा है? तो दोस्तों ये देख लीजिए, वो देश की सेप्टेम्बर में जो है ज़्यादा बारिश होता है। हाँ दोस्तों, मई से सेप्टेम्बर तक जो है वो देश में ज़्यादा बारिश होता है, मौसम की बात करें तो। तो दोस्तों ये देख लीजिए, वो देश की राज्य है 76 वो देश की राज्य है, अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देश में देश को जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये देख लीजिए कुछ राज्य देख लीजिए आप ध्यान से। देखा, हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा बहुत सारा राज्य है जो 76 इस देश के राज्य है। तो दोस्तों वो देश में जो है हमारी प्राइम मिनिस्टर गया था, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको इमेज आपको दिखा रही हूँ। देखा, तो दोस्तों वो देश की और हमारी सेना, दोनों देश की जो है सेना अंडमान में जो है समुद्र सीमा लगता है वहाँ पर जो है पेट्रोलिंग करता है, और वहाँ पर से जो है हमारी जो अंडमान से वो देश में जो है ट्रेड होता है, और वो देश में जो है रामायण को रामकियान बोला जाता है। हाँ दोस्तों, रामायण को जो है यहाँ पर रामकियान कहता है, लेकिन यहाँ पर रामायण ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ दोस्तों, ज़्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों उस देश की कुछ जगह की बात करें तो खोनकाइन वो देश की जगह है, लोई, सुरीन, नानटाक, चोनकुड़ी, फुकेट और शातोन वो देश की कुछ जगह है। हाँ दोस्तों, वो देश की कुछ जगह है। तो दोस्तों सारे दुनिया के अंदर ये देश में जो है जो यहाँ पर दवा का जो कह सकते हो मूल्य है यहाँ पर कम है। हाँ दोस्तों, दवा का जो मूल्य है वो कम है। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ ये देश के संपर्कित, मतलब थाईलैंड के संपर्कित, और थाईलैंड का जो पहला नाम था वो जो है साम देश। तो दोस्तों आज मैं आपको थाईलैंड के बारे में बताया हूँ, अगले एक वीडियो में मैं आपको और एक देश के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये सब कुछ जानने के लिए इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन बन जाएगा उसे दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो।